सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। इस समय हम लोग खड़े हैं यहाँ NTPC के साथ लग रहे इस यमुना केनाल के साथ जो कालिंदी कुंज की तरफ से बह के आके ये फरीदाबाद की तरफ निकलती है। इस केनाल पे इस समय देखा जा सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना कैमरा पैन करिए। यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी है। सामने जो है केनाल के नीचे दिखा जा सकता है, यहाँ रेस्क्यू बोट लगा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल पूरी घटना ये है कि आज से 2-3 दिन पहले जो है एक महिला जो मदनपुर खादर की रहने वाली है वो अपने घर से लापता हो गई थी अचानक ही। घर वालों का कहना है, संदेह के आधार पे उन्होंने शंका व्यक्त की है कि इस महिला ने जो है नहर में कूद करके शायद डुबकी लगा ली है या अपनी जान दे दी है। सच क्या है अब तक सामने नहीं आया है। वैसे जैतपुर थाना का पुलिस बल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। गोताखोरों की टीम बुला ली गई है और उस शव को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो कुछ हो रहा है सब कुछ संदेह के आधार पर हो रहा है और सूत्रों की माने तो यहां पे जो है उस लाश को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल एक बार कैमरा पीछे पैन करेंगे और आपको दिखलाएंगे। यहां भारी संख्या में पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस बल मौजूद है और पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि इसका रेस्क्यू किया जा सके और उस महिला के शव को बरामद किया जा सके। जी हाँ, यह घटना 17 तारीख की है और पुलिस बल लगातार तभी से कोशिश कर रही है शव को बरामद करने की और अभी तक हालांकि नहीं मिला है। गोताखोरों की टीम बुलाई गई है, अभी यहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। आपको एक बात बता दें कि ये महिला मदनपुर खादर की बतलाई जाती है जिसका नाम रेणु शर्मा है, उनके पति का नाम श्याम शर्मा है। 17 तारीख से अपने घर से गायब हैं, घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी। आगे देखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ निकल के सामने आता है। अभी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन के इंचार्ज हैं रमेश कुमार जी हमारे साथ, जो हरीश कुमार साहब जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के इंचार्ज हैं DM ईस्ट से हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरी कहानी है इस घटना की। सर बताइए इसके बारे में। ये कॉल 2 दिन पहले आई थी हमारे पास और बताया जा रहा है 3 दिन पहले शाम को करीब 7 बजे वो लेडीज अपने घर से निकली सब्जी लेने के लिए। मदनपुर खादर के पास पुल के पास आने के बाद बताया गया वो लेडीज जो है करीब आधे घंटे बाद किसी ने लेडीज ने बताया कि यहाँ पे कूद गई है या गिर गई है, ऐसा कुछ बताया गया, कंफर्म नहीं है जी। और उसके बाद हम लोग आए हैं, 2-3 दिन आज रेस्क्यू कर रहे हैं बराबर सुबह से लेकर रात तक, तो अभी डेड बॉडी फाउंड नहीं हुई है। तो सर इससे पूर्व कहाँ हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया? हम लोगों ने हरियाणा तक में भी गए, हरियाणा में पल्ला से आगे हरियाणा में करीब 3-4 किलोमीटर आगे तक भी रेस्क्यू कराया, कल भी जी, परसों भी कराया जी और आज भी सुबह से लगे हुए हैं, अभी डेड बॉडी फाउंड नहीं हुई है। चलिए सर, थैंक यू सर। अभी हमारे साथ खड़े हैं पीड़ित परिवार के एक सदस्य, इनकी बहन है रेणु शर्मा। बात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या कुछ पूरी कहानी है। शर्मा जी बताइए क्या हुआ? एक्चुअली संडे इवनिंग से मेरी सिस्टर गायब है। एक्चुअली मैं, उनके 2 बच्चे हैं और अपने हस्बैंड के साथ वो यहीं मदनपुर खादर में रहती हैं जी। संडे को इवनिंग को 6:30 बजे सब्जी लेने निकली हैं लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी हैं। तो उस टाइम पे हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, शाम तक ढूंढते रहे जी। फिर हमने 10:30 बजे FIR कंप्लेंट लॉन्च करवाई है जी। उसके बाद फिर हम पूरी रात ढूंढते रहे, तो सुबह कंप्लेंट करते करते सुबह हम 10:30-11 बजे एक नहर के पास पहुंचे जो खादर गांव में है जी। वहां पे हमने आसपास के लोगों से पता किया तो लोगों ने कहा कि 7:30 बजे के आसपास कोई महिला गिरी है। महिला गिरी है। अब उस जब से हमें मालूम चला है तब से हमने 100 नंबर पे कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, तो मंडे को पूरी रेस्क्यू टीम आई हुई है, डिजास्टर टीम आई हुई है, जब से पूरी छानबीन चल रही है। लेकिन अभी तक ना तो उनकी कोई डेड बॉडी मिली है ना ही हमें कोई क्लू मिला हुआ है। कल से हम एम्स जा चुके हैं, सदरजंग जा चुके हैं, हम लोग काले खां ढूंढ चुके हैं लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है जी। और अभी यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर कोई गिरता है, एक्चुअली मैं श्योर भी नहीं है कि वही हमारी सिस्टर है क्योंकि इसने स्नैक्स नहीं किया अभी तक, कोई महिला फोटो दिखा रहे हैं हम लोगों को। लेकिन आपकी सिस्टर गायब है? जी हाँ जी हाँ, संडे इवनिंग से। जो आपने कंप्लेन करी और आपके साथ पुलिस प्रशासन जिस तरह से खड़ी हुई या रेस्क्यू टीम जिस तरह से खड़ी हुई, आपको कोई शिकायत है? ये लोग प्रॉपर 50 घंटे हो गए लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं, नहीं इन्होंने प्रॉपर आपको कोऑपरेट किया नहीं किया? कोऑपरेट किया है लेकिन जितना अप्रिशिएटेबल होना चाहिए था उतना नहीं है, सम एक्सटेंड पे गैप है। एक्चुअली में हमने उस दिन जब संडे को मंडे को मॉर्निंग में जब कन्फर्म कर रहे थे लोगों से, आसपास के लोगों से पता किया तो लोगों ने कहा हाँ महिला गिरी है। एंड सरप्राइजिंगली उस वाले चौक पे ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा अवेलेबल रहते हैं
एंड उन लोगों ने कहा कि दो पुलिस वाले भी देख रहे थे, वहाँ के लोगों ने उन्होंने कहा कि आप जाके बचाते क्यों नहीं है, तो पुलिस वालों ने कहा है कि हम लोगों को तैरना नहीं आता, ये हमारा काम नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई महिला गिर रही है, उनका डिपार्टमेंट था नहीं, तो उन्हें आता है नहीं आता है। एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स 7 बजे से संडे से लेके सुबह 11 बजे तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, ना तो आसपास के लोगों ने, ना ही उन पुलिस वालों ने जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे, ना ही ट्रैफिक पुलिस वालों ने, और दैट इज वेरी रश एरिया, उसके बावजूद भी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की है। कहीं सारी भागदौड़ अपने ही कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, वहाँ तक पलवल तक हम ही लोग गए हैं, लेकिन इनका कोई इंटीमेशन नहीं है कि भाई कहाँ पर है क्या है। नहीं, रेस्क्यू टीम जो है लगातार आपके साथ है, रेस्क्यू टीम कर रही है काम, रेस्क्यू टीम काम। पॉइंट इज कि रेस्क्यू टीम भी पूरी कोशिश कर रही है, अब कल भी नहीं मिली है, वो परसों भी नहीं मिली है, और अब गिरा भी है कोई इंसान, तो अब समझ भी नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है अभी तक। ये फीडबैक जो कुछ है सब कुछ जो है अभी भी संदेह के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम का जो ऑपरेशन है वो आपके साथ साथ लगे हुए हैं, कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लाश का मिलना नहीं मिलना ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। उसी कमी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि शाम को 7 बजे केस हुआ है, सुबह 10 बजे तक हम लोग ही भाग के यहाँ पता कर रहे हैं कि भी गिरी है, लेकिन इनका कोई आदमी नहीं कि भी ये शाम को ही पता लग जाता तो जिंदगी बच जाती। अब जो एक्चुअली में चाहे वो हमारी सिस्टर हो या ना हो, कोई इंसान तो गिरा ही है, और इतना सरप्राइजिंगली भीड़ भी इकट्ठी हुई है, लेकिन कोई बॉदर ही नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पर। सुबह हम जाके हम ही FIR लॉन्च करवा रहे हैं, हम ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हम ही लोगों से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे। सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंगली लोग कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। वो आपकी बहन है, उनके ससुराल पक्ष से मतलब उनके पति या उस घर से कोई है अभी आपके साथ? अभी नहीं है, हस्बैंड उनके गए हुए हैं निजामुद्दीन पे, वो वहाँ ढूंढ रहे हैं। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो सहिता भी है, कुछ सारे रिक्शे वालों से पता कर रही है, ये मेरे बड़े भैया है, हम लोग यहाँ पे रेस्क्यू टीम के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हर तरफ लोगों को फैला रखा है, क्योंकि अभी तक बॉडी नहीं मिल रही, तो अभी मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तो हो सकता है कि उनका किडनैप हुआ हो, क्या हो, गॉड नोज। तो इसकी वजह से हम हर जगह पे ढूंढने में लगे हुए हैं। रेस्क्यू टीम का भी ये था कि 36 घंटे के अंदर गारंटी लेते हैं कि बॉडी मिल जाएगी, लेकिन अब 50 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। नहीं, रेस्क्यू टीम ने अपने तरफ से जो गारंटी दी उसमें उनका एक विश्वास था कि हम कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, बट उन्होंने पूरी कोशिश की है और रिकवर नहीं हो पाया है, रेस्क्यू नहीं हो पाया है। इससे इसमें एक नेगेटिव पॉइंट और ये है, पॉइंट ये है कि जैसे पलवल पर एक जाल लगा हुआ है जी, पलवल से आगे कोई बॉडी नहीं जाती है जी। कल भी हम लोगों को आप बिलीव नहीं करेंगे, पल्ला एक जगह है जहाँ से आगे हरियाणा चालू हो जाता है, वहाँ से लेके हरियाणा के लिए हमने परमिशन लेने के लिए ही मुझे विधायक साहब को कॉल करना पड़ा, विधायक साहब ने SDM को कॉल किया, फिर SDM के जाके हमें परमिशन मिली, वो भी 4 से 5 किलोमीटर तक की। जब एक सीरियस आप देखिए, चाहे स्टेट का कुछ भी इशू हो, एक पानी में ही जाके केवल बॉडी ढूंढनी है, उसके लिए परमिशन लेने के लिए इतने सारे चैलेंजेस हैं, अब वो भी इतनी आसानी, और आज भी मुझे लगता है शायद दोबारा से सारी फॉर्मेलिटीज हमें दोबारा करनी पड़ेगी। अभी मुझे विधायक साहब को कॉल लगाना पड़ेगा, फिर SDM साहब को कॉल लगाना पड़ेगा, फिर लोगों को कन्वेंस करना पड़ेगा कि वहाँ जाए। अभी तक भी पलवल तक बोट नहीं जा सकती है, जहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है बॉडी मिलने की। दिस इज आवर मैनेजमेंट और दिस इज आवर प्रशासन, आप कह सकते हैं। आपकी शिकायत जो है बड़े लेवल पे है कि जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम में कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा भाग दौड़ है, इतने ज्यादा प्रोसेस है कि आम आदमी परेशान होता है। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, साथ ही साथ में तीन दिन से परेशान हो रहे हैं, तीन दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, अपने आदमी वहाँ पलवल तक भेज रहे हैं, लेकिन इनका कुछ ऐसा नहीं है कि भाई रात दिन काम इनका है, पलवल पे छानबीन करी जावे ना, हमारा तो नहीं है, रात दिन ये गोता छानबीन करे, मगर ये बोल रहे हैं हमको परमिशन नहीं हरियाणा जाने की, हरियाणा बॉर्डर जाने की परमिशन, कल परमिशन ली जो 2 किलोमीटर की दी, हमारी फिर भी अपने रिस्क से 3 किलोमीटर आगे 5 किलोमीटर तक ज्यादा फोर्स करने पे, लेकिन इन लोगों ने सपोर्ट किया है, सपोर्ट तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे सपोर्ट, मगर ऐसा सिस्टम होना चाहिए डायरेक्ट बॉडी जहाँ मिलनी वहाँ पे पहुंच जाए हम लोग। दरअसल ये जो कुछ घटना हुआ है मदनपुर खादर में से, ये महिला गिरी है मदनपुर खादर के पुल से, और आपको बता दें कि मदनपुर खादर का जो पुलिया है उसके दोनों तरफ बिल्कुल भी रेलिंग नहीं है, और वहाँ पे हमेशा रश बना रहता है, लोगों का जाना आना काफ़ी मुश्किल होता है, लोग पाइपों पे चढ़ के जाते हैं और कई बार वहाँ गिरने के खतरा बना रहता है, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो कानून बना रखे हैं वो कानून इतने सख्त हैं, उसमें इतनी ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है कि आम नागरिक परेशान होता है। यदि ऐसी ही बात है कि दिल्ली से कोई शव बह करके नदी में फरीदाबाद की तरफ चली गई तो आपको जगह जगह से परमिशन लेने पड़ते हैं, तो क्या दिल्ली सरकार का ये दायित्व तो नहीं है, क्या केंद्र सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि जहां सीमा है आपका दिल्ली का की हद जहां तक है वहां पे आप जाल लगाएं, आप यहाँ NTPC पुल के साथ जाल लगा सकते हैं, पल्ला पुल के साथ जाल लगा सकते हैं, ताकि दिल्ली की कोई घटना होती है तो दिल्ली में ही उसको बरामद किया जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ी मांग है पीड़ित परिवार का और यहाँ प्रशासन का यही कहना है। अच्छा, एक और चीज, जो पुलिया है ना,
मैंने देखा है लोग ऊपर से निकल के जाते हैं, वो जो पुलिया है उसका भी जो वो बना रखी है ना वॉल दीवार है। साथ ही यहाँ लोगों का कहना है कि मदनपुर खादर में जो पुलिया है उसके साथ जो है ऊपर से दीवार बनी हुई है, लोग उस पर भी चढ़ के जाते हैं, कोई रेलिंग नहीं है, कभी भी इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। और इस तरह की लापरवाही जो है संवेदनहीनता दिखला रही है सरकार, सरकार को सामने आना होगा। तो ये सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा होगी इन फ्यूचर, लेकिन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को भी इसमें गंभीर होना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी सोनी मिश्रा के साथ धनंजय चौबे, ओंकार 24/7 नई दिल्ली।